ओके बच्चे, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद योर न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, तो हमें बस बोर मॉडल पढ़ना है अच्छे से एंड उसका लिमिटेशन देखेंगे, क्यों बोर मॉडल फेल हो गया अल्टीमेटली। करें एंड देन यू हैव न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज एक्चुअली रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। तो इस चैप्टर में दो चीजें, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और दूसरा न्यूक्लियस, तो रेडियो एक्टिविटी। तो दो चैप्टर्स आपको एक साथ पढ़ेंगे। आई थिंक रेडियो एक्टिविटी भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ना, तो ऑलमोस्ट वही सब है यहाँ पे जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, रेडियो केमिस्ट्री और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में भी एग्जैक्टली वही सब चीजें, इनफैक्ट केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हो SPDF शेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, करेक्ट। तो यहाँ पर उतना नहीं है आपको ऑल दैट शेल्स एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ हमें नहीं पढ़नी, वो सब आपने शायद केमिस्ट्री में उसको आप और डिटेल में पढ़ते हो कि एस शेल कैसी होती है, पी शेल कैसी होती है, देन करेक्ट पी पी बॉन्डिंग एंड ऑल दैट। फिर आप केमिस्ट्री में और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर जस्ट आपको एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है। ओके, तो अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो पहले सबसे पहले एटम के बारे में किसने बात करी थी, मालूम है आप लोग को सबसे पहले एटम के बारे में किसने बात करी थी? यू नो हु वाज अ साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट एटम? तो अगर आप देखोगे एक कन्नड़ ऋषि थे, तो ही यूज्ड टू से कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। और उसके बाद इनफैक्ट देयर वाज आल्सो अ साइंटिस्ट ऑफ नेम डेल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उससे छोटी और कोई चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, यस यस बच्चों, ओके। तो जो एकदम पहला जो एटॉमिक का स्ट्रक्चर था, दैट वाज गिवन बाय डाल्टन। इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे ना, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, दैट एटम इज इनडिविजिबल एंड ऑल दैट। बट उसके बाद का जो एक माइकल फैराडे, जिसके नाम पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा पढ़ते हो, उन्होंने भी एक रिसर्च करी थी, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जो ज्यादा लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, यू विल सी हिज एक्सपेरिमेंट आल्सो। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, माइकल फैराडे डिड वन एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ही थे। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा ट्यूब ली, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एक कोई एक मेटल का प्लेट लगा दिया और यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज दिया, ठीक है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे प्लेट लगा दी एंड यहाँ पर एक कोल था। नाउ दिस थिंग वेंट टू वैक्यूम, दिस गोज टू वैक्यूम। अब बहुत ही हाई वोल्टेज पर क्या देखा गया कि एक बीम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर ऐसे आ रहे थे, ठीक है, और यहाँ से एक बीम ऑफ पार्टिकल ऐसे निकल रही थी, और जब यहाँ पर काइंड ऑफ एक कोई तो ऑब्जेक्ट कैसे रख दो, तो ही सॉ यहाँ पर उसने फॉस्फोरस जिंक सल्फाइड काइंड ऑफ पुट कर लिया, और ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ फ्लोरोसेंट मटीरियल। तो व्हाट ही सॉ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज दिस फैन दिस स्टार्टेड टू मूव एंड यहाँ पर जो बीम्स थे देवर वो ऐसे काइंड ऑफ ऐसे स्ट्रेट ऐसे आ रहे थे। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो भी पार्टिकल, पहले तो यहाँ से पता चल गया कि एटम्स है वो इंडिविजिबल नहीं है, करेक्ट। और इनफैक्ट जो आपका जे जे थॉम्पसन का जो डिस्कवरी है, करेक्ट, दैट वॉज बेस्ड ऑन दिस ओनली, फैराडे से इंस्पायर्ड था वो। तो पहले तो ये पता चल गया एटम के अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, करेक्ट। आई थिंक ही टोल्ड देम कैथोड रेज, उसने इनको बोला, ठीक है,
तो देन ही सेट दिस, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको उसने कैथोड रेज बोला, ठीक है। एंड इसमें यहाँ से तीन अजम्पशंस क्या दिए कि एटम जो जो ये कैथोड रेज हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर ऑब्वियसली कैथोड टू एनोड, और यहाँ पर दे दे ऑल्सो हैव सम काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि फैन घुमा रही है ना, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट विच वाज डन बाय माइकल फैराडे। उसके बाद आता है अपना थॉमसन का मॉडल, जे जे थॉमसन का मॉडल आया इसके बाद। तो जे जे थॉमसन ने क्या बोला, तो यही प्लम पुडिंग वाला था क्या? थॉमसन एंड लेनार्ड काइंड ऑफ द गेव, उनसे प्लम प्लम पुडिंग वाला जो मॉडल आया। एनीवेज पहले थॉमसन ने किया क्या, थॉमसन ने भी एक सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही किया उसने भी, ठीक है। थॉमसन ने क्या किया बेसिकली, उसने किस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किया। दिस वॉज कैथोड एंड दिस वॉज सॉरी कैथोड इज नेगेटिव एंड दिस इज एनोड। लेकिन उसने यहाँ पर एक यहाँ पर उसने एक ये भी ही ऑल्सो गेव ये सम डिफ्लेक्शन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी थी, ठीक है। उसको पता कैसे चला कि ये जो तुम्हारे कैथोड रे है नेगेटिव है, जे जे थॉमसन नहीं बोलते ना इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। तो यहाँ से अगेन सेम थिंग हैपेंड, ठीक है, सेम थिंग हैपेंड। तो जब उसने ये इसने यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं लगाया था, ठीक है, तो अगेन तो देन वॉट हैपेंड वॉज कि जब उसने नहीं जब नहीं लगाया था तब से स्टेट जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लगा दिए वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे मूव समथिंग लाइक दिस। इससे इसको ये पता चल गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे हैव समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज, इनके पास नेगेटिव चार्ज है। और इसके पहले भी अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे ना उस टाइम पर, आई थिंक जे जे थॉमसन गेव इट इन विच ईयर, एनीवन रिमेंबर्स विच ईयर, 1898 के आसपास। उस समय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट ऑलरेडी प्रेवलेंट था, तो दे वर नोइंग देयर समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज एंड ऑल दैट, करेक्ट। बट इसने ये बोला कि जो जो एटम एक्चुअली उस टाइम ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की चीजें जो थी वो प्रेवलेंट थी, ठीक। तो उनको मालूम था कि मतलब ऐसा कुछ की संभावना हो सकती है आगे जाके कि भाई कोई नेगेटिव चार्ज मिल जाए हमें एंड ऑल दैट, दे वर नोइंग समथिंग सम कंसेप्ट लाइक दैट। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में नहीं सोचते थे, वो बोलते थे दिस इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी के टर्म्स में बोलते थे। फिर बाद में पता चला कि वो जो कुछ एनर्जी एनर्जी नहीं है, वो क्या है एक्चुअली में, इट इज नथिंग बट दोज ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मतलब जो ऑब्जर्व करते हो आप, तो कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होते हैं एक ऑब्जेक्ट लाइक दैट। तो इस एक्सपेरिमेंट से जे जे थॉमसन ने क्या कंक्लूड किया कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। फिर चार्ज और जो मास है, चार्ज एंड मास, इसने ये भी कैलकुलेट करके दिया हमें E by M का जो रेशियो है, this came out 1.758 into 10 to 11 coulombs per kg, और ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया, ठीक है, ये समझ में आई बात, ओके। फिर who discovered proton, मालूम है किसी को?
यस एनीवन रिमेम्बर हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन? ओके एनीवे, और ये जो चार्ज एंड मास का ये जो रेशियो था, दिस वाज डन बाय अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ये किस एक्सपेरिमेंट से आया था? ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, मालूम है आपको क्या था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? डू यू नो व्हाट वाज दिस? मालूम है? हाँ यस यस बोलो बोलो. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं सर, नहीं सिखाया ये एक्सपेरिमेंट कभी. सिंपल, आप पढ़ चुके एक्चुअली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. मैं कंसेप्ट बता देता हूँ. तो यहाँ पर हम क्या करते, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें उस टाइम पे कूलम्स लॉ एंड ऑल दोस थिंग्स पर आई थिंक देयर. तो आप अगर एक ऑयल ड्रॉप पे सर कुछ चार्ज दे दोगे क्यू, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे यू नो काइंड ऑफ ये करोगे, स्प्रे करोगे, करेक्ट? तो क्या होता है कि ये जो ड्रॉप्स हैं दे बिकम स्टेशनरी एट सम पॉइंट. ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पर ये एम जी और क्यू ई, एम जी और क्यू ई, करेक्ट, एम जी और क्यू ई, तो एम जी शुड बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ई. तो यहाँ से एक्चुअली आपका देखो Q by M is equal to E by G. और यहाँ से ना बच्चों, अब only thing is इसके बाद आपको क्या करना रहता है, कितने number of electrons है तुम्हारे, right? यहाँ पर अगर आपको पता है charge कितना है, तो charge अगर तुम्हें मालूम है तो कितने number of electrons है ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? कितने number of electrons है तुम्हारे पास, यहाँ से ये तो पता ही चल जाएगा हमें ना, करेक्ट? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n into e, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमें e के वैल्यू पता चल जाएगा. और ठीक है, और मास, मास भी यहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, मास को भी ब्रेक करके हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें e बाई m का जो रेशियो है वो पता चल सकते हैं। ठीक है, चेक इट आउट. ठीक है, समझ आई बात? ओके, इसके बाद फिर चलो, इसके बाद फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल आया. ठीक, अभी तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में मैंने गिव यू ब्रेक, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली में उन्होंने कैसे स्कोप किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. चलो, तो इसके बाद एक और एक मॉडल डेवलप किया गया, प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल ये था कि जो एटम है ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज का एटमॉस्फेयर है और इसमें चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन जो फैले हुए हैं, यहाँ पर जो कैथोड रेज है ये यहाँ पर से फैले हुए हैं. इट इज लाइक, जैसे आपने देखा होगा प्लम एंड पुडिंग, पुडिंग इज काइंड ऑफ, जैसे देखो अपने आइसक्रीम रहता है ना, कभी कभी आइसक्रीम में यहाँ पर से चेरी वेरी रहती है, तो उससे बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले हुए हैं जस्ट लाइक प्लम एंड पुडिंग. बट करेक्ट, तो यहाँ पर उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज का एटमोसफेयर है, तभी तो जो आपके एटम्स रहते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देन ओनली इट इज पॉसिबल. ठीक, पर इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, इनफैक्ट दिस वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड ने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया, उसने उसने एक एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ली, रदरफोर्ड टुक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, और उसने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव अ प्रॉपर्टी टू पेनिट्रेट वेरी थिन ऑब्जेक्ट. लिनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था,
कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज है या जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन पेनिट्रेट टू सम वेरी थिन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली और इन कैथोड रेज को गोल्ड फॉइल से पास कराए, तो ही सॉ मेजॉरिटी ऑफ देम कुड पास थ्रू इट। उसके जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो क्या थे, मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी 99% मेजॉरिटी 99% जो थे इलेक्ट्रॉन बीम, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन बीम कुड पास थ्रू गोल्ड फॉइल। ठीक है, ठीक। तो व्हाट हैपेंड वाज एक्चुअली जब 99% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पास हो रहे हैं तो व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर इज कि एटम के अंदर बहुत ही ज्यादा इट्स लाइक यू नो दिस लॉट ऑफ फ्री स्पेस इनसाइड एंड दिस थिंग एटम के अंदर बहुत ही एक फ्री स्पेस बहुत ज्यादा, इट्स लाइक एन एम्प्टी स्पेस, एटम इज फुल ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, उसने ये भी देखा कि कुछ उसके जो जो बीम्स थे, एक्चुअली ही टुक रदरफोर्ड टुक अल्फा पार्टिकल, आई एम सॉरी आई जस्ट सेड हियर इलेक्ट्रॉन बीम, ही टुक अल्फा पार्टिकल, आई एम सॉरी फॉर दिस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मालूम है आपको? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं मालूम है आपको? व्हाट आर दिस अल्फा पार्टिकल्स, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, जल्दी से बताओ। अल्फा पार्टिकल्स आर बीम ऑफ ये बीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, हाँ एच ई आई, हीलियम न्यूक्लियस रहता है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम एटम से आप सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो दो जो चीज तैयार होती है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, बीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। बट कुछ उसने एक चीज और ऑब्जर्व करी, कुछ में ना देयर वाज सम डिफ्लेक्शन इन द सम ऑफ द पार्टिकल्स और कुछ तो वापस पूरे के पूरे रिटर्न हो गए। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उससे कुछ पार्टिकल्स जो थे दे गॉट डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, और जो यहाँ पर है दे गॉट पूरे के पूरे ऐसे दे गॉट रिटर्न। तो ऐसे बहुत कम उसको ऐसी बीम्स बहुत कम मिली और ऐसी भी उसको बहुत कम। ठीक है, तो इसने कंक्लूड किया कि अगर ऐसा होता कि एक पॉजिटिव चार्ज होता तो पूरी की पूरी बीम रिपेल आउट हो गई होती, बट ऐसा नहीं हो रहा था। वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स भी जो अल्फा पार्टिकल बीम थी वो पूरी की पूरी पेनिट्रेट कर रही थी इस गोल्ड फॉयल से, करेक्ट। तो इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट है गोल्ड थी उसने फिर या इनफैक्ट दिस मॉडल वॉज गिवन बाई दिस मॉडल वॉज गिवन बाई रदरफोर्ड, कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो 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 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो एक्चुअली यहाँ पर ऐसे जो घूम रहे थे। एक्चुअली रदरफोर्ड है इट्स जस्ट इसने बस न्यूक्लियस के बारे में बोला कि यहाँ पे एक कोई तो पॉजिटिव चार्ज ये रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का जो यहाँ पे जो एटमोसफेयर की बात हो रही थी, ये पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज एटमोसफेयर नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल में, रदरफोर्ड के मॉडल में, एनीवन नो व्हाट द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ अ मॉडल, एनीवन नो व्हाट इज प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ अ मॉडल, क्या प्रॉब्लम है इस काइंड ऑफ मॉडल से? इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो घूम रहे हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूसली स्टेबिलिटी ऑफ मॉडल ना ये नहीं बता पा रहा था, बहुत हद तक ये बहुत पास में चले गए रदरफोर्ड एटम के स्ट्रक्चर के, बट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी दिस मॉडल कुड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी लूज करेगी ना, कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी लूज करते करते It will finally fall into the nucleus. क्यों? अच्छा क्यों energy lose करेगा बच्चा? Why do you think it will lose its energy? Hmm?
Why do you think it will lose its energy? Yes, anyone? Any explanation for this? Sir, वो मैक्सवेल का लॉ है ना? हाँ, it will radiate energy. Yes, yes, very good. किसने बोला? सर मैंने शालमल. Yes. So yes. So according to Maxwell's law, ये जो है ना कुछ ना कुछ energy radiate करेगा जब, you know, this when it is moving around this nucleus. So because it is radiating out some energy, तो इसकी energy थोड़ी कम हो जाएगी ना? ठीक है. तो ये बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट इट विल यू नो काइंड ऑफ जितने सा ऑर्बिट से चेंज करते 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 रोटेट करते करते फाइनली इट लैंड्स इन द न्यूक्लियस. चलिए तो ये तो एक बात हो गई. दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उस टाइम पीपल वर ऑब्जर्विंग. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? जब आप हाइड्रोजन गैस को एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाले एटमॉस्फेयर में काइंड ऑफ उसको बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तो इट बिकम्स आयनाइज. हाइड्रोजन गैस है, इट बिकम आयनाइज, और वहां पर आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है. स्पेक्ट्रम मीन्स व्हेन यू जस्ट पास जो भी रेज मिल रही है उससे, जो भी कुछ लाइट रेज निकल रही होगी, समझे क्या क्या हो रहा है. हाइड्रोजन गैस को एक ऐसे चेम्बर मिलो और इसको बहुत हाई पोटेंशियल दे दो. Give a very high potential इस गैस को, हाइड्रोजन गैस को. ठीक है, तो होता है क्या है, बहुत हाई पोटेंशियल पर ये जो हाइड्रोजन गैस है तुम्हारी, what it will do, it will get ionized. Correct? Ionized होने के बाद it will start emitting some kind of radiation. ठीक, यहाँ पे जो रेडिएशन मिलते हैं उनको अगर आप एक kind of उनको project करो तो you see them these radiations like this. They're not continuous radiation. और इससे अगर यहाँ पे continuously energy radiate हो रही, तो according to this Rutherford model, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, ये जो हमें जो spectrum मिलना चाहिए था वो एक continuous spectrum होना चाहिए, but वैसा भी नहीं होता यहाँ पर. ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? So then, इसके बाद तो Rutherford model could not have those difficulties in explaining this. और इसके बाद ना फिर eventually there was a scientist of Goldstein. उस समय nucleus पर भी काम चालू हो गया था. मैडम क्यूरी एंड ऑल दोस वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. एंड उस टाइम तो नहीं, the year not in exactly in that year, they were in 19th century के आसपास. But proton, nuclear things were kind of getting more and more developed. And it happened by the discovery of proton. Proton was discovered by that time. Proton was discovered. किस year में? It was discovered in year 1886 by this scientist, Eugen Goldstein. आपको नाम पूछ सकता है. I'm just writing, giving me the name wrong. ठीक है, करेक्ट. और फिर इसके बाद चैडविक ने 1932 में ये भी डिस्कवर कर लिया. चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. ठीक है, सो दिस वाज इन द ईयर 1932, करेक्ट. और आई थिंक उस टाइम पर ही मेरे ख्याल से ये मैडम क्यूरी एंड ऑल दीज आर वेरी मच एक्टिव. They were nuclear weapons and all just a form हो रहे थे ना उसी time पर हो रहे थे. World War II में हुआ था ना, Hiroshima Nagasaki, उसी time कुछ सब चीजें very prominent research were going on at that in those periods. ठीक है, तो ये थी एक brief summary how all those things happened. इसके बाद जो एक बहुत ही prominent scientist आए जिनका नाम था Niels Bohr. करेक्ट, तो ये सब कुछ एटम के मॉडल्स थे, इनिशियल मॉडल्स ऑफ एटम. करेक्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबकी डिस्कवरी हो चुकी थी. इनफैक्ट इसके बाद देर आर ऑल्सो मेनी अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम.
तो एक और साइंटिस्ट फेमिन करके साइंटिस्ट है, ही डिस्कवर्ड और भी 32 दिस थिंग पार्टिकल्स, करेक्ट, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. तो और भी पार्टिकल्स होते हैं, हमें केवल 3 ही बताए जाते हैं, बट तो आपको मालूम रहना चाहिए और भी पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, ठीक है. तो फिर वी हैड दिस, तो ये सब मॉडल्स मिले हमें, करेक्ट. इसके बाद एक और साइंटिस्ट है नील भोर करके, और उन्होंने भी कुछ पॉजुलेट दी. नील भोर केम आफ्टर दिस एंड उन्होंने कुछ पॉजुलेट दिया, और उनके मॉडल से बहुत कुछ हद तक आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पा रहे थे. ठीक है, और भी काफी कुछ चीजें यू आर एबल टू, उस टाइम पर ये भी आपका प्लैंक्स इक्वेशन आ गया था, इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया था, करेक्ट. तो उस मॉडल से एटलीस्ट यू आर एबल टू प्रिडिक्ट ऑल दोज इवेंट, करेक्ट. बट भोर मॉडल के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स है जो हम देखेंगे एंड ऑफ भोर मॉडल में. ठीक है, तो पहले हमें समझना है भोर ने पॉजिटिव क्या क्या दी. ठीक है, तो अभी देखो, अभी तक भोर के पहले क्या क्या हो चुका था. भोर के पहले प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग लाइक दैट. तो ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से डिस्कवर हो चुकी थी नील भोर के पहले, इन 1913 में उन्होंने अपने मॉडल प्रपोज किया. ठीक है, करेक्ट. और प्रोटॉन उस टाइम तक डिस्कवर हो चुका था. तो नील भोर उस टाइम, बट न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड व्हेन भोर गेव हिज मॉडल दैट टाइम. प्रोबेबली न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड बिकॉज़ भोर गेव इन 1913 एंड चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स इन 1930. ठीक है, तो हम भोर का मॉडल भी पढ़ेंगे, बट आई थिंक, ठीक है, तो आई विल गिव यू जस्ट अ ब्रेक ऑफ मे बी 10 मिनट्स, उसके बाद हम फिर भोर का मॉडल पढ़ेंगे. ठीक है, तो वहां से एक्चुअली में आपका दिस चैप्टर बिगिंस फ्रॉम दिस भोर मॉडल से ही शुरू हुआ है. आपकी जो बुक में जो आपको ये सब चीजें नहीं दी गई, दे डायरेक्टली स्टार्टेड विद भोर मॉडल. तो अभी हम मे बी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, उसके बाद हम लोग भोर का मॉडल पढ़ेंगे. ठीक है, ओके बच्चों. सो जस्ट अ स्मॉल करेक्शन ओवर हियर, एक्चुअली मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ना बच्चों आपको ई का वैल्यू पता चला था. ई का वैल्यू जो 1.6 × 10⁻¹⁹ वो पता चला था. एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ था, और ई बाई एम का जो रेशियो था वो जे जे थॉम्सन ने ही दिया था. ठीक है, जे जे थॉम्सन ने ई इसमें ये मिलिकन ड्रॉप से नहीं आया था, ये जे जे थॉम्सन ने ई बाई एम का रेशियो दिया था. ठीक है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमने क्या किया, हमने ई की वैल्यू फाइंड करी थी. ठीक है, तो जो चार्ज की ई की जो वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये जो था ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया था. ध्यान रखो इस बात को. ठीक है, ये किससे आया था, एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हुआ था. यहाँ पर बेसिकली उसने क्या किया था, मैं आपको इसलिए बता देता हूँ. यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाई मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए मिलिकन को ही गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो. और इसने बेसिकली क्या किया था, एक चेम्बर लिया था, और यहाँ से यहाँ पे छेद था यहाँ पर, और यहाँ पर देयर वाज सम पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, एंड ही हैज जस्ट स्प्रेड सम ऑयल ओवर हियर, ऑयल की कुछ ड्रॉपलेट थी, तो ही हैज जस्ट स्प्रेड इट ओवर हियर. तो यहाँ से कुछ ऑयल की ड्रॉप ऐसे थे कमिंग आउट लाइक दिस. And then concept was same only, mg is equal to q times e, mg is equal to q. ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ठीक है ना, यहाँ से हमें actually पता चला mg is equal to q. यहाँ से हमें चार्ज एक already e by m का value हमें पता है. तो यहाँ से उसने एक्चुअली और भी कई कंक्लूजन निकले थे यहाँ पे. इट्स नॉट सो इजी टू स्टडी दिस इक्वेशन, बहुत लंबी इक्वेशन आती है, उसका हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब इसमें विस्कस फोर्स और एम जी फोर्स
और बॉइंट फोर्स सब देखना पड़ता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग एट अ लेवल ऑफ एटम, तो स्मॉल स्मॉल फोर्सेस आल्सो वी कांट नेगलेक्ट. जैसे इसमें भी इस ड्रॉप पे एमजी का फोर्स लग रहा होगा, विस्कस बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा, तो इस वाले ड्रॉप पे एमजी, और अगर मान लो इसको यहाँ पर, यहाँ पर एक क्यूई का फोर्स लग रहा होगा लाइक दैट, ये फोर्स. तो सो मेनी फोर्सेस यू जस्ट काइंड ऑफ रिजॉल्व देम एंड यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यूई. क्यूई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, और उसने देखा कि हर एक ड्रॉप पर क्यूई का वैल्यू जो था वो काइंड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज, तो यहाँ से वो कंसेप्ट भी काइंड ऑफ डेवलप हुआ था, चार्जेस आर क्वांटाइज. तो हर ड्रॉप पर जैसे उसने क्या ऑब्जर्व किया, तो उसने कैलकुलेट किया चार्ज और नीचे एवरी ड्रॉप, तो उसने देखा कि एक्चुअली यहाँ पे एक एक्सरे चेम्बर भी रहता है, ये तुम बताना तो भूल गया. तो एक्सरे चेम्बर क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे उसको आयनाइज करता है. आयनाइज करके क्या होगा यहाँ पर, इट विल आयनाइज और दिस ड्रॉप विल गेन अ नेगेटिव चार्ज आउटसाइड. ठीक है, ओके. तो अब उसने देखा मान लो इस वाले पे थ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस पे फोर ई का चार्ज है, फाइव ई का चार्ज है, लाइक सो ही हैड टू फिगर इट आउट, थ्री ई, फोर ई, फाइव ई, लाइक दिस, हैड टू फिगर इट आउट डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज यूजिंग यूजिंग दिस, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के ये क्या कर सकते थे, ड्रॉप को यहाँ पर स्टॉप कर सकते थे. मान लो इसने इस वाली ड्रॉप को, एक कोई तो पर्टिकुलर ड्रॉप है जिसका रेडियस कुछ है, क्योंकि ड्रॉप के रेडियस भी अलग अलग होंगे ना, तो कोई ड्रॉप है उसका रेडियस मान लो आर है, तो उसने अगर इसको से ड्रॉप को स्टॉप कर लिया यहाँ पर एट सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ही कैन एक्चुअली कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दैट ड्रॉप. सपोज उसने इस ड्रॉप पर मान लो निकाला चार्ज सी है, फिर एक उसने दूसरी ड्रॉप को स्टॉप किया तो देखो उसका उस पर चार्ज फोर ई है, फिर तीसरी ड्रॉप को स्टॉप किया उस पर देखा चार्ज फाइव ई है. सो लाइक दिस ही कुड स्टॉप वेरियस ड्रॉप एंड ही कुड फाइंड आउट उनमें चार्जेस कितने कितने था, एंड देन फाइनली केम टू कंक्लूजन कि जो ड्रॉप पे जो चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है. एंड इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, कैसे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इन मतलब इन जैसे होल नंबर्स में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि किसी में 2.5 ई आ रहा है, किसी में 2.8 ई आ रहा है, इट वॉज नॉट लाइक, तो चार्ज आ रहा था 3e, 4e, 5e, 7e, लाइक ऐसे ही आ रहा था. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, पढ़ा है ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मिलिकन ओल्डॉर्फ एक्सपेरिमेंट. ध्यान रखना मिलिकन ओल्डॉर्फ एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती वो पता चली थी, और जे जे थॉम्सन ने ऑलरेडी ई बाई एम का, ई बाई एम का जो वैल्यू था दिस वॉज गिवन given by Thompson. ठीक है, ओके, चलो. तो बच्चों अभी हम लोग आते हैं बोर के मॉडल पे, नाउ वी जस्ट सी नील बोर मॉडल. तो बोर के कुछ पॉजुलेट्स विल जस्ट सी देम वन बाय वन. आपकी बुक में तीन ही पॉजुलेट्स दिए गए हैं, तो आपको अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए तो यू जस्ट राइट डाउन दो थ्री ओनली. ठीक है, ओके, बट बोर के और भी देखते हैं और कितने पॉजिटिव, तीन ही एक्चुअली, एचसीवी में चार दिए गए आपको. ठीक है, बट ठीक है, विल सी दैट. तो पहला पॉजिटिव तो बोर, नील बोर ने कुछ पॉजिटिव दिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड. जो पहला पोजलेटर विच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ रदरफोर्ड, तो उसने क्या बोला, आई थिंक आपकी बुक में फर्स्ट और सेकंड को उन्होंने एक करके दे दिया है. ओके, चलो देखते हैं. तो पहला पोजलेटर कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और ठीक है,
दूसरा क्या उसने पॉजिटिव दिया कि ये जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन्स के दे टेक सम स्पेशल वैल्यू ऑफ रेडियस. सो आई जस्ट राइट इट डाउन. सो द ऑर्बिट फर्स्ट और सेकंड को आप एक भी बोल सकते हो, यहाँ पे हम अलग अलग ले रहे हैं. सो द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यू. ठीक है, कैसे स्पेशल वैल्यूज ऑफ रेडियस. ठीक है, कैसा कि इलेक्ट्रॉन डोंट डू नॉट रेडिएट एनर्जी एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैक्सवेल लॉ. तो ये ऐसे वैल्यूज हैं रेडियस की जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटिंग एनी एनर्जी फ्रॉम दिस फ्रॉम मैक्सवेल लॉ. क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इट हैज टू एमिट सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हमें मालूम है ना मूविंग करंट, देखो करंट जब भी मूव करते हैं तो उससे कुछ एनर्जी रेडिएट आउट होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल. वो क्या है, वो एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना. ठीक है, तो इसने बोला कि ये ऐसे मूव कर रहे हैं सो दैट दे आर नॉट रेडिएटिंग आउट एनी एनर्जी. एक्चुअली ये स्टेटमेंट भी थोड़ा गलत है, बट ही सेड इट लाइक दैट. ठीक, सो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यू ऑफ रेडियस सच दैट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी. As expected from Maxwell's law. ठीक है, ओके. तो ये दो बात क्लियर है सब बच्चों को. ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई यू नो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली देवर अगर वो मूव कर रहे होते तो दे वुड बी रेडिएटिंग एनर्जी. पर इसके बाद एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्यों मैंने बोला दिस स्टेटमेंट इज बाय दिस स्टेटमेंट स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि इसके बाद जो ये एक और साइंटिस्ट है था प्लैंक, मैक्स प्लैंक करेंट, जिन्होंने ये दिया था ये कोर्सेस एच सी बाय लैम्डा. तो उन्होंने ही बोला आई थिंक ही सेड और डी ब्रॉग्ली समवन सेड, आई डोंट रिमेम्बर. बट इसके बाद का जो 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 थ्योरी आया था वो ये था कि आपने भी शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो एस पी डी एफ टॉप ऑर्बिट पढ़ते हो, क्या है एक्चुअली पढ़ते हो ना, एस एस शेल पी शेल डी एंड एफ, व्हाट आर दोज एक्चुअली, क्या कोई बताएगा मुझे. एस पी डी एफ शेल तो पढ़ते हो आप, बट क्या होता है वो. यस एनीवन. तो इसके बाद एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट बोला था नाम तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे उन साइंटिस्ट का, बट समवन सेड दैट आई थिंक मैक्स प्लैंक ने बोला था ये बात. एनीवेज मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है किसने बोला, सब किसने तो बोला, मैक्स प्लैंक या डी ब्रॉग्ली कोई तो एक है, इनमें से कोई एक है. तो उन्होंने बोला कि जो ये जो एटम्स है ना, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे ये एक्चुअली स्टैंडिंग वेव की तरह यहाँ पर ये रहते हैं. स्टैंडिंग वेव पढ़ा है ना आपने, स्टैंडिंग वेव पढ़ा है ना आपने. यस करेक्ट. उसने क्या बोला, ये जो ऑर्बिट्स है ना यहाँ पर, तो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्टैंडिंग वेव की तरह रहते हैं, और उन्ही स्टैंडिंग वेव का जो पैटर्न आप पढ़ते हो ना एस पी डी एफ ऑर्बिट्स के फॉर्म में, जो एस पी जो शेप रहता है तुम्हारा जैसे एस शेप तुम्हारा ऐसा रहता है, पी शेप आई थिंक ऐसा डम्बल शेप रहता है ना. तो ये क्या है बेसिकली, इन जगह पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. नोड पे थोड़ी ना हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, नोड पे थोड़ी. आप कभी देखा है कि नोड पे आपका बॉन्डिंग नोड से हो रहा है, कभी कोई बॉन्डिंग नोड से बनाया है कि आपने केमिस्ट्री में, नहीं बनाया होगा करेक्ट. फिर एस पी ऐसा रहता है, फिर आई थिंक P or this is like this. D orbit कैसे रहता, how is the D orbit? D orbit कैसा और कैसा रहता है उसमें आपका? Double dumbbell is I think yeah. So it is like ये तो आपका S हो, ये P orbit ऐसा होता है और ऐसा रहता है double dumbbell.
ऐसा कुछ तरह से ना, ठीक है। तो एक्चुअली ये ना, ये एक प्लेन में है, दिस इज इन अ प्लेन। तो मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो गया तुम्हारा, ये जेड एक्सिस। तो ये जो आपको ये डबल डम्बल दिख रहा है, दिस इज इन अ प्लेन बच्चा, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ओके, और फिर इसके बाद के थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, स्पेशली एस पी डी एंड एफ। एफ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना पा रहे हैं, नॉट सो इजी टू ड्रॉ इट। बट ये सब जो आप देखते हो, ये क्या है बेसिकली, ये सब ये सब प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की। तो इसके बाद का ही कंसेप्ट आया था यहाँ पर। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो स्लाइटली रॉन्ग ऑफ नील बोस। बट इसके बाद का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था, इसके बाद का जो कंसेप्ट है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बच्चा आपको इसमें क्वेश्चन पूछता है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान से समझ लें। सब लॉस नॉट लॉस तो नहीं, मॉडल्स है, पॉजुलेट्स है, नॉट लॉस। तो एनर्जी ऑफ एटम हैज अ डेफिनेट वैल्यू इन अ गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ ऑफ अ एटम, एनर्जी ऑफ ऑफ द तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, आप लोग भी लिख लो इस सबको। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, यहाँ पे जितनी भी एटम्स के पास शेल होंगी, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर ये कोई तो दिस वाज टू सम एक्सटेंट करेक्ट, पी न्यूक्लियस हो गया मेरा, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो इवन होगी अगर, और इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी हो सकती है, E2। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो यहाँ पर एनर्जीज जो रहेंगी एटम इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम रहेंगी, करेक्ट। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक यहाँ से इट विल जंप फ्रॉम दिस पॉइंट, देन व्हाट विल हैपन, इट विल एमिट अ रेडिएशन। मतलब जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पर आएगा, इट विल एमिट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इट विल एमिट सम रेडिएशन। और अगर इसने मान लो कुछ कोई रेडिएशन आ रहा है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया ये, तो इट विल गो फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो जब वो हायर से लोअर में आ रहा है तो क्या होगा, हायर टू लोअर में आ रहा है इसको, इट विल गिव आउट अ रेडिएशन, इट विल एमिट सम रेडिएशन, ठीक है। और जब वो लोअर से हायर में आ रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, इट इज एब्सॉर्बिंग इन रेडिएशन। ठीक है, तो ये था मेरा बोर का मॉडल, ये बात समझ में आई बच्चों आपको? फोटोइलेक्ट्रिक में भी हमने ऐसे देखा था ना कि फोटोन जब उससे टकराते तो इट एब्सॉर्ब सम एनर्जी एंड देन इट इज काइंड ऑफ इजेक्टेड आउट ऑफ दैट दैट प्लेट ना, उस तरह का चीज यहाँ पर हमें बोर के मॉडल में भी देखने को मिल रहा है। नाउ द फोर्थ या थर्ड बोलो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, दिस इज लास्ट वन। तो आपकी बुक में शायद फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके दे दिया उन्होंने, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करके एक बोल सकते हो, देन दिस यू कैन से इज अ सेकंड वन एंड नाउ वी आर सीइंग थर्ड। क्या 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 वो थर्ड पॉइंट लिखना है, वो थर्ड ऊपर का। हाँ ओके राइट इट।
चलिए बच्चों अब हम देखते हैं फोर्थ पॉजलेट ऑफ बोर। तो बोर का फोर्थ पॉजलेट क्या है? देखो एटम में ना हर चीज, अभी आप क्या देख रहे होंगे कि एटम में हर चीज जो है ना वो क्वांटाइज रहती है। चार्ज ले लो इलेक्ट्रॉन का, मास ले लो इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट, चार्ज मास देन व्हाट इज चार्ज मास एनर्जी तक क्वांटाइज है। हाइड्रोजन के जो फर्स्ट शेल रहेगा उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, विच कम्स आउट टू -13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही वाले इलेक्ट्रॉन रह सकते उसके। If you just give any other for another energy, electrons भी first shell में नहीं रह पाएंगे, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे ये जो इनफैक्ट ये जो first first two statements से यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हर चीज एटम के अंदर क्वांटाइज्ड है। अभी तक हमने देखा चार्ज और मास ही क्वांटाइज रहता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखा होगा, पर यहाँ से तो हमें पता चल रहा है एनर्जी भी क्वांटाइज है उसके अंदर, ठीक है? फिर अगर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज रहे, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज इस लॉ का एक और लॉ भी है, मैं आपको बताऊंगा। चलो तो इसने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम is an integral multiple of so I think Bohr का I think अगर देखो तो केवल third law ही मुझे तो लगता है सही है, third postulate ही सही है, otherwise if you see other four postulate उसमें से इसमें भी एक गड़बड़ है, बताऊंगा क्या गड़बड़ है। The angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. तो इन एंगुलर मोमेंटम क्या था, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम बच्चों, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, mvr, या mvr जिसको आप l भी लिखते हो ना, mvr इज इक्वल टू l, दिस इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई को कभी-कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको l इज इक्वल टू n ऐसे भी लिख देते कुछ बुक्स में डायरेक्टली, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, आपने पढ़ा है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, देखते कौन बच्चा बता पाता है। इसके बाद वाले मॉडल्स में एक और मॉडल आया था, एक कंसेप्ट आया था जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा है आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो व्हाट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कौन बताएगा सर? कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हाँ. और वेलोसिटी हम एक साथ नहीं पता कर सकते, यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इन एटम के केस में, करेक्ट, हम उसका या तो पोजीशन फाइंड कर पाएंगे या तो हम उसका वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे, हम दोनों साइमल्टेनियसली नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, या तो उसका पोजीशन फाइंड आउट कर लोगे या तो आप उसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाओगे, बट दोनों आप सोचो साइमल्टेनियसली फाइंड कर लो तो यू कांट फाइंड दैट। अब देखो अब इन आवर जब भी हम मैकेनिक्स पढ़ते क्लासिकल मैकेनिक्स स्पेशली, हम बोलते ना पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट उसका वेलोसिटी इतना है, मैकेनिक्स में तो हम बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर पे इसका वेलोसिटी, अगर मान लो इन दैट वी फाइंड ना पोजीशन ऑफ पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी, ये सब हम चीजें मैकेनिक्स में कर चुके हैं, तो हाइजेनबर्ग ने ऐसा क्यों बोल दिया कि आप उसका साइमल्टेनियसली पोजिशन और वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे एंटिटी होते हैं कि अगर मान लो आप उसको आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपने अगर यहाँ पर एक रेडिएशन मारा यहाँ पर, तो जैसे आप रेडिएशन मारोगे वैसे ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो जाएगा और उसका प्रोबेबली वेलोसिटी कैन ऑल्सो चेंज, ठीक है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट किसी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए,
तो जब आपने यहाँ पे मारा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजिशन है वो ऑलरेडी चेंज हो गया होगा, कहीं कहीं और हो गया होगा वो, ठीक है। तो हम उसका साइमल्टेनियसली पोजिशन और साइमल्टेनियसली वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो बोर क्या बोल रहा है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, करेक्ट। आप उसका उसका वी वेलोसिटी मोमेंटम भी बोल रहे हो, उसका पोजिशन भी बोल रहे हो, विच इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप ये बोल रहे हो ना कि भाई इस रेडियस में इसका अगर रेडियस आर है और इसका वेलोसिटी वी है, तो आप आर और वी, आप उसका पोजिशन और वेलोसिटी दोनों डिफाइन करके दे रहे हो यहाँ पर, तो विच इज रॉन्ग फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रिंसिपल एल्फा है, ठीक है, इसलिए हम बोर का ये वाला जो फॉर्मूला है इसको भी थोड़ा गलत ही मानते हैं, ठीक है। चलो तो एनीवेज हम अपने आप को इन सब अभी जो हम अभी फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी अभी के जो हम डेरिवेशंस देखेंगे वो हम इन चार पॉजिलेट्स को ध्यान में रख के देखेंगे, ठीक है। स्पेशली दिस वन आल्सो, इवन दो दिस मे बी नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, बट हम इनको ध्यान में रख के अपने सारे डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो अब देखो एनर्जी ऑफ, ठीक है सर, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes. और मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछते हैं वो, करेक्ट, क्योंकि इन डेरिवेशंस दे आर वेरी बेसिक से डेरिवेशंस है, और आपको कभी कभी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ वेरिएबल चेंज करके पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब समझो एक लेट्स सी, लेट्स सी एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, कितनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा ना, ठीक है, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस को चारों चक्कर काट रहा है, तो ये जो F है तुम्हारा यहाँ पर, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा विद सम फोर्स F, कितना होगा अगर मान लो इसमें कितना होगा 1/4πε0, करेक्ट। अब ऑब्वियसली दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन टाइप एटम, जैसे हीलियम टू और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज लाइक अ हाइड्रोजन टाइप एटम ना, वैसा ही हीलियम भी। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो आप क्या बोल सकते हो, Z E दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू E अपॉन R स्क्वायर, ये तो लॉ हम सबको मालूम है, कौन सा लॉ है ये, कौन सा लॉ है बच्चों, ये कूलम्स लॉ है ना, ओके, ठीक है। तो दिस फाइनली कम्स आउट टू बी Z E स्क्वायर अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये F, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, बोर्स का फर्स्ट पॉजिलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तो Z स्क्वायर अपॉन 4πε0 R स्क्वायर विच इज गिवन बाई mv²/R, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से जो R की वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी व्हेन यू सॉल्व दिस होल एक्सप्रेशन, R की वैल्यू है कितनी आई, R की वैल्यू अभी मैं बाकी के एक्सप्रेशन आपसे बोलूंगा सॉल्व करने की, ठीक है। तो बी रेडी, Z E स्क्वायर अपॉन 4πε0 mv², ठीक है। तो यहाँ पे सब चीजें कांस्टेंट है कि कुछ वेरी भी कर रहा है, कुछ सब चीजें लुक्स लाइक यू नो कांस्टेंट, ठीक है, बट ओनली वी
वी जो है वो इट विल चेंज फ्रॉम ऑर्बिट टू ऑर्बिट. तो अगर मैं आपको बोलूं आर और एन में क्या रिलेशन है, आप फाइंड आउट कर सकते हो. आर, अब देखो आपको एक क्वेश्चन पूछता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन, आर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, या आर इज प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर हाफ. यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है बता सकते हो? फिर इतना लिखो और फिर जरा इस पर सोचो आप यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हो. मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, इतना पहले लिख लो और फिर बताओ यहाँ. करेक्ट. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज बोर का थर्ड पॉजिटिव, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. अब सोचो आप एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई यहाँ पर कैसे लगाओगे सो दैट यू गेट समथिंग फ्रॉम हियर. यस, जल्दी से फाइंड आउट करके बताऊंगा. इसको लिख लो और बताओ मुझे आर इज इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट. इसको नाम दे देते चलो ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, आर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. कैसे आएगा तो आपको जैसे मैं बता रहा था यू हैव टू रिमेम्बर दीज एक्सप्रेशंस लाइक दिस होंगी. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n² लाइक दिस. तो आपको ऐसे ही ये सब चीजें याद रखनी है. एन यहाँ पर भी वेरी करेगा. तो अब हमें क्या पता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π ना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π. ठीक है. तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर एम बी ओके एम बी हाँ, तो अगर हम इस केस में यहाँ पे एम स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर ऐसा कुछ कर दें. ठीक है, मेरे ख्याल से या एक सेकेंड रुको, ये मेरी मान लो होगी क्वेश्चन नंबर 1 और मेरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है ये. चलो बताओ कैसे बच्चे फाइंड आउट करेंगे आप. एक सर v को सब्स्टिट्यूट कर दो n h अपॉन 2π करेक्ट. v को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, z e स्क्वायर अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट m. सर v n h बाय 2π m r होगा ना. v हमारा n h अपॉन b ना. हाँ तो वही लिखा ना b n h अपॉन 2π. यहाँ से b जो है n h अपॉन 2π आ रही है 2π. m भी होगा ना उसके साथ, m m भी आएगा ना नीचे. आया मैं अच्छे से लिख देता हूँ. जो बी होगा तुम्हारा ये होगा एन एच अपॉन 2π mr. ठीक, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो m into v की जगह हम पुट कर देंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एन स्क्वायर और यहाँ पे आर से. ठीक है, चीजें तो कैंसिल आउट हो गई और क्या बच गया अपने पास. एक्चुअली अगर आप देखोगे इसको पूरे सॉल्व करोगे अभी तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर यहाँ पर आ गया और ये ऊपर चला गया ना एम आर स्क्वायर अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर. तो यहाँ पे फाइनली जो आपको मिलेगा एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा नहीं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर सर. न्यूमरेटर में पाई भी रहेगा ना. पाई, हाँ पाई भी रहेगा, पाई
पाई ऊपर आ जाएगा ना, पाई रहेगा ये, पाई ऊपर हो जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर ही आएगा ना। इसमें नीचे दिया हुआ पाई, नीचे एक्चुअली पाई ऊपर यहाँ बराबर है ना, पाई जो है ऊपर आ जाएगा यहाँ पे है, तो आर के साथ पाई है ना यहाँ पर, तो व्हेन यू जस्ट फाइनली टेक दिस आर, तो ये पाई नीचे आ जाएगा ना, जेड स्क्वायर एम पाई, ठीक है, सी जेड स्क्वायर अपॉन एम पाई है, तो फाइनली बराबर है ना एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड स्क्वायर एम पाई है, बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात की नहीं आई? Yes, लिखना है इसको, लिखना है बच्चों आपको इसको, लिख लो अगर लिखना है तो जल्दी से। Now let's see what will be the kinetic energy of this revolving electron. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो घूम रहा होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऐसे घूम रहा होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब देखो v हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, v कितना था, एनएच अपॉन टू पाई एम आर ना, v इज इक्वल टू एनएच अपॉन टू पाई एम आर, कहाँ से एम वी आर इज इक्वल टू एनएच अपॉन टू पाई आई से, टू पाई से आया ये, तो अब जब आप v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, व्हाट दिस विल गिव यू, दिस विल गिव यू काइनेटिक एनर्जी एज हाफ ऑफ m, v इज n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, करेक्ट, इंटू टू भी है तो इंटू टू कर देंगे, हाँ बराबर, बाद में देखते हैं, फाइनली यू गेट, बताना मुझे, अच्छा एक सेकेंड, और क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपका, बराबर है, बराबर है बच्चों, v जो था मेरा एक्चुअली में रुको एक सेकंड, काम करते हैं यहाँ पर, वी डोंट वांट इट लाइक दिस, यहाँ से बी जो था अपना आ रहा है, और एक्चुअली अगर आप देखो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है मेरी एम वी स्क्वायर बाई आर या एम वी स्क्वायर ये आ रहा है, ये देखो ये डायरेक्टली हम यहाँ से भी बोल सकते ना, एम वी स्क्वायर जो चाहिए हमें हम इसको डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते, तो मैं जेड का भी टर्म आ जाएगा ना, we don't want to lose our z e square term also from here, so directly ab yahan se mv square aapka z e square upon 4 pi epsilon not r aa raha hai, so directly ye bhi sahi hai, not wrong, but isko aap probably equate karo to kuch aur equation ban jayega, but what we are interested is not into this expression, okay, hame kya malum hai kinetic energy half mv square r hota hai, aur yahan par dekho upar humne mv square already find out kiya hua hai यहाँ से ना, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इस एक्सप्रेशन से, इसको हम नीचे थोड़ा लेके जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी डोंट नीड आर हियर, बस एम वी स्क्वायर बाय टी है, तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी बस इसमें इनटू हाफ कर दो, कितना हो गया 1 upon 8 pi epsilon naught r z e square, ठीक है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, यस बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, जल्दी से बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यस बच्चों जल्दी से बताइए क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी,
सर वो आपने पहले इसका एक्सप्रेशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने पोटेंशियल एनर्जी समझा तो वो समझते हैं। देखो अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? मैंने लिया था ना आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितना Q1? ये प्लस ये माइनस ये है, तो व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम? अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। Why do we put a negative sign over here? Any explanation for this? देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेसिकली, आपको अंडरस्टैंड पहले तो समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या, तो तभी आपको समझेगा यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया। नहीं तो आप बोलोगे तो नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया ना। इनफैक्ट आपकी केमिस्ट्री में भी देखो तो लोअर ऑर्बिट्स का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहता है ना, करेक्ट? अगर आपने देखा होगा हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल रहता है उसका कुछ तो -13.1, देन सेकेंड शेल का कुछ तो -3 point something रहता है, I don't remember exact value, but anyways, तो ऐसा नेगेटिव से वो चलता रहता है। फिर इन्फिनिटी वाली जो शेल रहती है कितना कितना -13.6 रहता है, सॉरी 13.1 नहीं है, -13.6, और फिर सेकेंड शेल का -3.4 रहता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों, why we are putting a minus sign over here? तो उसके पीछे का रीजन क्या रहता है? सी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मीन्स वर्क डन, जब भी हम कुछ वर्क डन करते हैं तो वो जो हमारा वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको उठा के आप इसको उठा के आप एच हाइट तक ऊपर तक लेके जाओ, इसको एच हाइट तक ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट? MgH। और इतना इतना वर्क तुमने वर्क डन जो किया वो भी तो इतना ही आ रहा था तुम्हारा, दैट मीन्स तुमने जितना सिस्टम में वर्क डन किया, ठीक है, जितना तुमने सिस्टम में वर्क डन किया वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई बच्चों? इंक्रीज, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे जो फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा ना, जो इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, किसकी वजह से? बाय इंटरनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, देखो माइनस mgh, करेक्ट? तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट वो भी आपको बता रहा है, करेक्ट? आप इसको माइनस डेल्टा के भी लिख सकते हो, तभी आप देखो हमारा यू प्लस के ये स्टेटमेंट बैलेंस रहेगा। एनीवेज पॉइंट इज, तो इसको वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। तो अगर हम इस अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को देखो, ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को और एक पॉजिटिव चार्ज को दूर दूर लेके जा रहे हैं तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी? बताओ, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि देखो चार्ज तो ऑलरेडी रिपेल कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चार्ज जो है ना वो ऑलरेडी रिपेल कर रहा है, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन इज ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो कुछ ऐसे लगा रहा है जो एरो बनाया मैंने, और ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लगा रहा है, तो ये तो इसका नेचुरल स्टेट है इसको रिपेल करना, ठीक है? लेकिन अगर मैं यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स आई ब्रिंग दीज टू चार्ज पार्टिकल मोर क्लोजर और एकदम पास पास लेके आ जाऊं अगर इसमें इसको, ठीक है, और अगर मैं इनको पास पास लेके आ जाऊं तब क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? तब देखो ये और एकदम पास पास में आ गए ना, मतलब ठीक है, ये जो है ये और एकदम पास पास आ गए,
अब इसको और मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा होगा, यस और नो? और एंड वी हैव टू डू सम वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? चार्जेस का टेंडेंसी क्या है? रिपेल करने का. हम क्या कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको और पास पास लेके आ रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? बिकॉज ऑफ दैट यस व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? हमने उसमें कुछ वर्क डन किया होगा. अब जो हमने वर्क डन किया है वो कहाँ गया? वो वर्क डन, वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराने में गया. ऐसे आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा ऐसे. तो ये तो इसका ये तो स्पॉन्टेनियस चीज है. ये तो चाहेगा ही कि ये सेपरेट सेपरेट हो जाए, ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेपरेट सेपरेट हो जाए. ये तो चाहेगा ही पॉजिटिव चार्ज ऐसा करना. ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस. ओके, अब अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है, इसमें बताओ क्या होगा? अगर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव का समझ में आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव में बताओ क्या होगा. पॉजिटिव नेगेटिव में इसकी टेंडेंसी क्या है? पास पास आने की है. तो ये तो इसका नेचुरल स्टेट है पास पास आना. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आप अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करानी है तो इसको अभी आपको ऐसे जब दूर कर दोगे यहाँ पे, मतलब इस प्रोबेबली इस ओरिएंटेशन में इसको लेके जाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना, है कि नहीं है? कि इस ओरिएंटेशन पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? करेक्ट. तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. जब ये दूर दूर रहते हैं एक्चुअली तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर देखूं, तो U1 is always greater than U2. ठीक है, और हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी को. व्हाट वाज दैट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. मतलब इंफिनिटी से जब हम डिस्टेंस आर तक लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. ये तो इट्स अ पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस ना. तो यहाँ पे आर तक लाने के लिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? यू इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught. अगर मान लीजिए क्यू वन है क्यू टू है तो क्यू वन क्यू टू बाई आर हो जाता है. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट मीन व्हाट? दोनों पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो रहती है. अब आप इन्फिनिटी से उसको डिस्टेंस आर तक लेके आ रहे हैं तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू, मतलब इन्फिनिटी पे तो जीरो ही थी. पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो. इन्फिनिटी पे जीरो है. तो जब आप चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए तो तुम्हें कुछ एडिशनल वर्क डन करना पड़ा होगा. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव. बट अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव का केस देखें, अगर मान लो पॉजिटिव है और हम एक नेगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए तो पोटेंशियल, अब इन्फिनिटी पे जीरो होगी, जीरो थी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और कम होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज. तो उस डिक्रीज को दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं. ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जीरो से कम वैल्यू होती है माइनस में. अगर हम बोले इन्फिनिटी पे जीरो जूल से पोटेंशियल एनर्जी और उसको हम जब पास में लेके आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, लेट्स से -5 joules -10 joules. तो इन दैट सेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो बात को कि नहीं आ रही? सॉरी, मैंने इंक्रीजिंग बोले, इट शुड बी डिक्रीजिंग ना. समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? समझ में सर, एक मिनट. हाँ, तो वो जो यू की वैल्यू है ना वो नेगेटिव, हाँ, किस केस के लिए है?
ठीक है वही वही, तो इस पूरी कहानी को ब्रीफ में कर देते हैं, करेक्ट। इस पूरी कहानी को अगर हम ऐसे ब्रीफ में समझें, तो अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है। अब जब तुम इसको एट ए डिस्टेंस आर लेके जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1/4 πε₀ Q, इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं, Q1 Q2 by R। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना। ऑब्वियस बात है, जब दो पॉजिटिव चार्जेस को पास में लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, और जब हम एक मान लो मेरे पास ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज है, तो इन्फिनिटी पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होनी है, हो जानी है। ठीक, जब आप इसको ऐसे लेके आओगे यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर Q2 पे, ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि तो उसका देखो ये जो नेचुरल चीज होती है, अगर कोई चीज नेचुरली हो रही है तो मतलब समझो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर नेचुरली नहीं हो रही, वो अननेचुरली हो रही है। अननेचुरली मतलब इलेक्ट्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, करेक्ट, अगर ये दोनों पास में आएंगे, दिस इज अ अननेचुरल फिनोमिना ना, इलेक्ट्रो प्रोटॉन प्रोटॉन तो हमेशा दूर जाते हैं, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, प्रोटॉन प्रोटॉन शुड बी रिपेलिंग, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों पास पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में हमें समझ लेना चाहिए इंक्रीज हो रही होगी। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अल्टीमेटली है क्या कि अगर आप एक ब्लॉक है, इसको ऊपर हाई टच तक लेके जाते हो, तो यहाँ पर देखो ये ब्लॉक अपने आप से तो कभी हाई टच तक नहीं जा पाएगा, ये अननेचुरल फिनोमिना है, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई भी जो अननेचुरल फिनोमिना होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। स्प्रिंग के केस में भी देख लो, स्प्रिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, इवन कंप्रेस कर दो तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो दोनों अननेचुरल फिनोमेना, करेक्ट, ठीक है, ओके। और स्प्रिंग जब रिलीज हो रही होती है तो फिर फाइनल कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव में यू नेगेटिव होगा, राइट? हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसीलिए, तो इन्फिनिटी पे जीरो है, तो अब यहाँ पर जब हम इसका एट ए डिस्टेंस आर लेके आते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, नेगेटिव हम कर देंगे। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या एम्फसाइज कर रहा है, ये यहाँ पर ये एम्फसाइज कर रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरी, ये डिक्रीज हो रही है जब दिस चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर, समझो। तो अब देखो प्रोटॉन के, इसीलिए आप देखो आपके, ठीक है, ये बात हम आगे भी देखेंगे वैसे तो। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये एक न्यूक्लियस है जिसका जिसपे पॉजिटिव चार्ज जेड ही है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसपे चार्ज माइनस ही है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, माइनस लिख देंगे ना, माइनस जेड ई होल स्क्वायर अपॉन 4 πε₀ r, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर हमने निकाला था कितना आया था, काइनेटिक एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन 8 πε₀ r, जेड स्क्वायर 8 πε₀ r माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 πε₀ r, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन, ओके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कभी भी निगेटिव आ रही किसी चीज की, या एनर्जी लेट से निगेटिव एनर्जी क्या क्या सिंबलाइज करती है मालूम है किसी को, नेगेटिव एनर्जी मीन्स वॉट? अगर तुमने एनर्जी निकाली हो, तुम्हारी एनर्जी लेट से नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है?
कि सिस्टम विल बी बाउंड सिस्टम. अगर एनर्जी पॉजिटिव आ रही है मतलब सिस्टम जो है वो कभी भी बाउंड नहीं हो सकता. बाउंड मतलब बंधा हुआ सिस्टम रहेगा. यहाँ पर देखो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना. ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं प्रोटॉन को. दे आर काइंड ऑफ बाउंड टू ईच अदर. आप देखो जब भी एनर्जी आपकी नेगेटिव आएगी टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी दिस सिंबलाइजेस सिस्टम विल बी बाउंड सिस्टम. सैटेलाइट के केस में देख लो सैटेलाइट की भी टोटल एनर्जी नेगेटिव ही आती है. ग्रेविटेशन में देखा था हमने के लिए देखा था ठीक है. तो सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी वो नेगेटिव आ रही है. दिस सिंबलाइजेस व्हाट जो सिस्टम जो आपका जो सिस्टम है दैट विल बी बाउंड सिस्टम. सो आई जस्ट राइट डाउन वन स्टेटमेंट ओवर हियर. नेगेटिव एनर्जी हियर सिंबलाइजेस सिस्टम इज बाउंड. तो नेट नेगेटिव एनर्जी नेट एनर्जी तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी सिंबलाइजेस सिस्टम इज बाउंड. नेगेटिव नेट एनर्जी करेक्ट. और पॉजिटिव नेट एनर्जी होगी तो मतलब सिस्टम जो है वो अनबाउंड होगा ठीक है. समझ में आई बात की नहीं है. इसीलिए देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बाइंडिंग एनर्जी जो आपका आता था बाइंडिंग एनर्जी मतलब सैटेलाइट की जो ओरिजिनल एनर्जी थी वो हमेशा नेगेटिव आती थी. और बाइंडिंग एनर्जी क्या था वो एनर्जी जब देते हो ताकि वो फ्री हो जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव आती थी ठीक है. समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है. ठीक है ना. ओके यहाँ पे एम कटर ओके अरे एक सेकंड यहाँ पर देखो जिसमें काइनेटिक एनर्जी आया था. काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे मास ठीक है बच्चों लिख रहे हैं इसको जल्दी से लिख रहे हैं तो लिख लो जल्दी से. सर वो थोड़ा हाँ या या यू कैन जस्ट सी दिस हियर आंसर करेक्ट एक्सप्रेशन है इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं हमने यहाँ पे बोला था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर ना. तो आप चाहो तो यहाँ पर आर को ये भी बोल सकते हो आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स एम स्क्वायर करेक्ट ऑब्वियसली यहाँ पर. बट एक चीज ध्यान में रखो यहाँ पर हम हाइड्रोजन टाइप के लिए देख रहे हैं. यहाँ पर हम z को 1 पुट कर देंगे when we put z as 1 ठीक है. ध्यान रखना इस बात को this is for z is equal to 1. अगर आप z equal to 2 ले लोगे तो कितना हो जाएगा. z को अगर आप 2 ले लोगे तो r कितना हो जाएगा a naught square a naught by n square by 2. अगर आप z की वैल्यू 2 ले लेते हो इस तरह से ही ले लोगे तो a नॉट n स्क्वायर बाई 3 ऐसा आना चाहिए था अपना सेट कर रेडियस की वैल्यू करेक्ट. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो इट विल डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर z आल्सो. मैंने यहाँ पे z एक पर्पसली क्यों लेके चला आपकी बुक में शायद z नहीं लिया उन्होंने. हाँ लिया उन्होंने लिया है बुक में लास्ट ईयर नहीं लिया था या दे हैव टेकन z. तो z लेने से एक तो फायदा ये होता है कि अगर आपको पूछ लिया हीलियम के लिए बताओ जरा फर्स्ट रेडियस कितना होगा. अगर उसने बोला हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस इतना है हीलियम का फर्स्ट रेडियस बताओ कितना होगा तो देन यू कैन क्लियरली सी इट ओवर हियर करेक्ट. यहाँ पर देखो यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड करेक्ट. समझ में आई बात की नहीं आई. तो जो मेरा रेडियस होगा तो ये जो मेरा रेडियस होगा दिस विल बी कितना है n square upon z. It is directly proportional to this. So constant आ जाएगा
कॉन्स्टेंट बोल देते ए नॉट है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर आपको पूछा जाए हीलियम के लिए जो फर्स्ट डिजिट है वो कितना होगा, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दो। अगर हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए तो हाइड्रोजन के लिए जेड इज वन, और हीलियम के लिए पूछा जाए तो जेड इज जेड टू पुट कर दो यहाँ, ठीक है ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू को यहाँ पर ऐसे पुट कर देता हूँ, टोटल एनर्जी जो है मेरी माइनस जेड ई अपॉन 8 by epsilon naught r is a naught n square by z, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, टोटल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस z square upon e upon 8 by epsilon naught a naught n square, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों, n n क्या होता है यहाँ पर, n आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा n क्या है। n इज नंबर ऑफ शेल, मतलब फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें यहाँ पर, z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू वन मतलब फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू टू मतलब सेकंड शेल, जिनको आप आई थिंक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, n इज वॉट, n इज n is number of shell, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। तो फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए अगर पूछा जाए आपसे, तो व्हाट विल बी द एनर्जी, एनर्जी एट फर्स्ट शेल फॉर हाइड्रोजन टाइप एटम, इट विल बी e इज इक्वल टू माइनस e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a नॉट, करेक्ट। आपसे कभी कभी रेशियो पूछ सकता है हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल और हीलियम की, हीलियम की फर्स्ट शेल दोनों में एनर्जी कितनी होगी, तो आई थिंक सेम ही है, नहीं 1:4 का रेशियो आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप टू पुट हीलियम के लिए टू पुट कर दोगे, तो एनर्जी एट हाइड्रोजन टू एनर्जी एट हीलियम इट गिव्स टू बी 1:4 फॉर फर्स्ट शेल। इसी तरह अगर आप सेकेंड शेल का देखो, तो एनर्जी फॉर हाइड्रोजन टू एनर्जी ऑफ हीलियम जो है वो कितना आ जाएगा, सेकेंड सेल के लिए ना, सेकेंड सेल के लिए आई थिंक 1:1 आ जाएगा, नहीं 1:1 नहीं, हाइड्रोजन के लिए तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1:4 आ गया। तो सेकेंड सेल का जल्दी से बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम फॉर सेकेंड सेल, यस बताओ जल्दी से बताओ सेकेंड सेल के लिए एनर्जी कितने कितना होगा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, जल्दी से बताओ, विल एंड इट आफ्टर दिस, यस जल्दी से बताइए बच्चों। सर 1:4 सेकेंड शेल में कितने हैं, सेकेंड शेल में देखो सेकेंड, पहले तो देखो हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो गया, ये 4 हो, तो 1:4 हाइड्रोजन का आता है सम कांस्टेंट, और हीलियम के लिए 1 आ जाएगा, या तो आई थिंक 1:4 इसके लिए भी रहेगा, सर थोड़ा ऊपर कीजिए, या तो ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये सब समझ में आया, तो यहाँ से देखो हम यहाँ से डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं बेसिकली एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। रेडियस जो है, रेडियस जो है मेरा व्हाट इज दिस, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस इज इतना तो सबने लिख लिया था ना, रेडियस प्रोपोर्शनल टू दिस, देखो ठीक है, और ठीक है, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है चलिए, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग थोड़ा और इसके आगे की चीजें देखेंगे, वो स्पेशली स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो पार्ट है, विल क्रिएट इन द नेक्स्ट लेक्चर।